ये और सब गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस आज से हम खेलने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। अब यार आप में से ना बहुत सारे लोग के कमेंट हो गया यार कैसी सी गेम है, डब्बे डब्बे ग्राफिक जैसी। और जिन लोगों ने गेम देखी हुई है, जिन्हें पता है भाई, वो तो कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन यार आपको मैं ये बता दूं, आज से 4 साल पहले मैंने ये गेम खेली थी और डालते ही डिलीट कर दी थी क्योंकि इस गेम के जो ग्राफिक्स थे ना मेरे को सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जो है भाई ये गेम में इतना कुछ है ना, A to Z सब कुछ है, वो भी आपको आगे चल के पता चलने वाला है। तो वीडियो जो है पूरी एंड तक पहले देखना, फिर मुझे ना कमेंट में सजेस्ट जरूर करना कि मुझे इस पर सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस एक टाइप से ना सर्वाइवल गेम है, यहां पर हमें क्राफ्टिंग करनी है, घर बनाना है, एक एंड में फिर एक ड्रैगन से फाइट करनी है और उसके बीच में भी काफी कुछ होने वाला है, सोना इकट्ठा करना, हीरा इकट्ठा करना, सब कुछ है भाई इस गेम के अंदर। तो चलो गाइस अपनी गेम को यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्ले कर दिया और यहां पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तो यहां पर अभी हमें सबसे पहले अपने वर्ल्ड का नाम डालना है। वर्ल्ड का नाम हम बहुत तगड़ा डालने वाले हैं दोस्तों, वर्ल्ड का नाम आप देख के डर मत जाना। तो वर्ल्ड का नाम ये काफी टाइम से मैंने सोच के रखा था, तो अपने वर्ल्ड का नाम ही वर्ल्ड है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फटाफट अपनी गेम को मैंने यहां पर से स्टार्ट कर दिया है। और इस गेम में ना रैंडमली हम कहीं पर भी स्पॉन हो जाते हैं, तो मैंने ना थोड़ी सी इसकी गाइड वीडियो देखी थी जिससे ये ना हो कि मैं एकदम ही नूब साबित हो जाऊं। तो चलो गाइस अभी हमें रैंडमली कहीं पर भी छोड़ दिया गया, मतलब कि इसका जो मैप है ना एक टाइप से पूरा का पूरा भरा पड़ा है, अनलिमिटेड है। और मेरे आगे एक नीचे गुफा जा रही है, ओ भाई साहब, मैंने सुना है ना माइनक्राफ्ट में गुफा के अंदर काफी सही से सामान मिलता है। तो गाइस अभी हमें इस गेम के अंदर रात होने से पहले पहले अपना एक घर बनाना है, जिस घर के अंदर एक क्राफ्टिंग टेबल होना चाहिए जिससे हम अपना सामान वामान क्राफ्ट कर सके, मतलब जितने भी हथियार वेपन वगैरह होते हैं। ओ भाई ये कौन घूम रहा है आगे, मकड़ी सा, और ये कहीं पर सामान लेकर जा रहे हैं, शायद वर्कर टाइप है या फिर यहाँ की कुछ मोन्स्टर जैसी शक्ल है। तो भाई ये बंदो मेरे को गड़बड़ लग रही है, तो मैं इनसे मजे नहीं लेने वाला। तो फटाफट से ना थोड़ी बहुत वुड इकट्ठी करते हैं, और हमें ना रात में ज़ोंबीज आते हैं, भूत आते हैं, और भी थोड़े अजीब अजीब से कीड़े वीड़े आते हैं जो कि हमें मार देंगे। तो उनसे बचने के लिए यानी कि रात होने से पहले पहले हमें यहाँ पर अपना एक घर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम छुप के रात को बिता सकें। ओके तो फटाफट से अभी मैं यहाँ पर ना वुड इकट्ठी कर देता हूँ। और इसको देखो भाई सब, क्या ऐसे ऐसे कौन सी वुड कटते हैं भाई, मेरे को तो पहले तुम ये एक्सप्लेन करो। लेकिन अब भाई इस गेम की फिजिक्स थोड़ी सी महंगी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। पेड़ कट रहा है, कटने दो यार, क्यों तुम इतने टेंशन ले रहे हो। तो भी सबसे पहले मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां पर मैं एकदम अपना ब्यूटीफुल सा घर बनाऊं। और सामने की तरफ में ना कुछ घर मेरे को नजर आ रहे हैं, तो वहां पर भी चलेंगे। और ये कौन है, अरे ओ भाई 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 ये तो शीप है, मैं इसने जब बोला तो मेरे को समझ आया, मारो साढ़े मारो मारो तेरी ऐसी की तैसी। ओके तो यहाँ पर शायद से, ओके तो गाइस हमें इसका अभी मीट मिल गया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम खा सकते हैं जब हमें फूड की कमी पड़ेगी। तो अभी यार इतना फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं। और यहाँ पर ओ भाई शेर वेर भी है क्या इस गेम में, मेरे को किसी तो अजीब से एनिमल का साउंड आया है भाई। ये पिक्स अजीब अजीब सी आवाज क्यों निकाली, तरह तेरी ऐसी की तैसी, अजीब अजीब सी आवाज, शेर जैसी आवाज निकाल रहा है पिक होके, औकात में रहो भाई, नहीं तुम मैं पिग हो तो क्या शेर की आवाज निकालोगे। ओ भाई नीचे एक गुफा जा रही है, इस गुफा के अंदर सोच रहा हूँ चले जाऊं एक बार, चलकर देखते हैं क्या पता हमें कुछ ना कुछ काम का मिल जाए। मतलब यार होता है यार गुफा के अंदर ना कभी कभार बहुत ज्यादा काम की चीजें मिल जाती है। और यहाँ पर ये कोल है, ये कोल पड़ा हुआ है। ओके तो कोल जो है टॉर्चेस बनाने के लिए काम आता है, या फिर हमें मतलब कुछ भी पकाना हो खाना उसके लिए काम आता है। और ये क्या है, तो यहाँ पर एक फ्लावर पड़ा हुआ था जो कि अपने किसी भी काम का नहीं है। और काफी सारे स्टोन्स है, मतलब कि यहाँ पर स्टोन की कमी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ना अपना घर बेसमेंट में बनाऊं कि ऊपर जाके बनाऊं, ऊपर चल के बनाएंगे यार, बेसमेंट में तो कोई भी एंटर हो सकता है। और ये जो गुफा यार बहुत ज्यादा, ओ भाई ये कौन है, और भागो भागो भागो, ओ भाई 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 ये कौन आ रहा है, अबे कहां से आ रही है भाई साहब, ये तो मकड़ी से कैसे अजीब सा साउंड आ रहा है भाई, भागो भागो भागो, मारियो मत मारियो मत मारियो मत, अबे साले गेम शुरू हुआ पहले दिन ही दया खा ले मैं गलती से गुफा में आ गया। ओ भाई मारो मुझे, मैं कहाँ घुस गया भाई, ये इतनी बड़ी गुफा है और मैं एंटर कहाँ से हुआ था। ओके तो मैं यहाँ से एंटर हुआ था भाई साहब, वो मकड़ी कहाँ से आ गई, अच्छा खासा अपना चुपचाप बैठी हुई थी और उसने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा मे भी। ओके फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं वरना भाई पहले दिन अपनी गलत कुटाई हो जाएगी। तो ऊपर जाने के लिए मुझे ना ये तोड़ना पड़ेगा। तो भी फटाफट से ना हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, और उस क्राफ्टिंग टेबल से जितने भी अपने टूल होते हैं पत्थर काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, जितनी भी एक्सेस होती हैं सारी की सारी क्राफ्ट करनी है। और सबसे पहले ना अपनी मैं इन्वेंटोरी खोलकर देखता हूँ, तो मेरे पास वुड्स तो हो गई है थोड़ी बहुत, तो इन वुड्स को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। और इससे मैं क्या मिलने वाला है मेरे को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर एक और मैं करा, ओके तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी वुड मिल गई। और कोई चल कर आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कोई मेरे आसपास है भाई, डरा हूं मैं तो। वैसे दिन में ना कोई डरने की बात है नहीं, रात में आते भूत। तो अभी मेरे को ना ज्यादा तगड़े लेवल की क्राफ्टिंग तो आती है नहीं, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ रखते हैं। ये पता नहीं कौन सा वुड मिला है, अभी देखते हैं पता नहीं क्या क्या मेरे को मिले जा रहा है जो। ओ गाइस क्राफ्टिंग टेबल बन सकता है, तो यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना लिया है। अब इस क्राफ्टिंग टेबल को ना मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक सेकंड अपनी इन्वेंटोरी में डाल लूँ मैं पहले क्राफ्टिंग टेबल। तो ये क्राफ्टिंग टेबल मैंने अपनी इन्वेंटोरी में डाला और इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर इस क्राफ्टिंग टेबल से हमें ओके तो ये स्टिक्स बन गई है, स्टिक्स मैंने बना ली, 8 स्टिक्स अपने पास टोटल बन चुके हैं। और थोड़ी सी ना वुड हमें और इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो इसको कलेक्ट करने के लिए मुझे इसे वापस तोड़ना पड़ेगा। और फटाफट से इसे वापस तोड़ते हैं और फटाफट से जितनी वुड हो सकती है ना सारी की सारी इकट्ठी करते हैं, फिर दोबारा से अपने सस्ते मरीजों वाले हाथ इसने मारना शुरू कर दिए हैं और देखते हैं भाई कितनी वुड हमें यहाँ से मिलती है। और उससे हम बनाएंगे स्टोन एक्स, पिकैक्स, फिर ये जितने भी बंदे हमसे चौड़े होने आ रहे हैं ना, मकड़ी वकड़ी जितने भी है सबको मारूंगा। और मैं सोच रहा हूँ ना विलेजर्स के पास जाता हूँ जो उनका घर होता है ना, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान चुरा के लाएंगे। मतलब चोरी करना अच्छी बात तो नहीं है, बट फिर भी हमारा कौन सा कुछ जा रहा है या फिर उनका कौन सा कुछ जा रहा है, उनके पास कल फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत वुड्स तो हो चुकी है, अभी फटाफट से मेरे को ओके इन्वेंटरी खोलनी पड़ेगी। तो ये है मेरा क्राफ्टिंग टेबल, इस क्राफ्टिंग टेबल को मैंने प्लेस करा। अभी फटाफट से ना सबसे पहले मेरे को थोड़ी सी एक बढ़िया वाली वुड चाहिए होगी, तो यहाँ पर से ये मेरे को मिल चुका है, तो मुझे और ले लेना ना, ये और ले लेते हैं ओके। तो अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टिक्स को यहाँ पर लगाना है, और उसके बाद ये जो होते हैं क्या लगाना है क्या लगाना है क्या लगाना है, इससे हमें मिल जाएगा वुडन एक्स। अब वुडन एक्स से हम पेड़ काटने में आसानी होगी, और स्टिक्स का यूज़ कर हम बनाने वाले हैं पिकैक्स। तो पिकैक्स बना लेते हैं एक बारी, पिकैक्स की जो शेप होती है कुछ इस टाइप की होती है ओके। तो ये अपना बन गया है पिकैक्स। तो यहाँ पर तलवार बनाने का क्या होता है, तो अभी मैंने ना फटाफट से स्वॉर्ड भी बना लिया, ताकि कोई भी अगर ज़ोंबी वगैरह मेरे से लड़ने आए, जैसे अभी मकड़ी लड़ने आ गई थी तो उसको मारने में ना काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो अभी मेरे को ना सबसे पहले एक जगह ढूंढनी है जहाँ पर ये घोड़ा का बच्चा है। अरे घोड़े के बच्चे हो, गधे के बच्चे हो आप, एक बार बताओ। वैसे गधे का बच्चा बोल दिया इसको तो मैंने, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताओ। वैसे मेरे को घोड़े का बच्चा लग रहा है, मार के देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। आवाज़ तो इसकी गधे जैसी लग रही है, नहीं नहीं घोड़े का बच्चा था, सॉरी। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा मीट चाहिए था यार, हमें भी तो भूख लग रही है, खुद ही घास चरे जा रहा है एक घंटे से। अभी फटाफट मेरे को जगह वो ढूंढने, ओ गाइस सामने काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, फटाफट वहाँ पर चलते हो। इसके ऊपर ना शायद कुछ वाइट वाइट सा है, मतलब कि उसके ऊपर मेरे हिसाब से बर्फ गिरी हुई है। ऐसा होता है क्या माइनक्राफ्ट में, मुझे पता नहीं है, चलकर देखते हैं, शायद क्या पता बर्फ गिरी हो। और भाई बादल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं इस गेम में, और सन देखो भाई तुम इस गेम का, मतलब सन हो रहा है, डब्बा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है किसी ने 100 वॉट की LED ऊपर लगा दी हो। और ये क्या पड़ा हुआ था, फटाफट अभी चलते हैं यार आगे की तरफ में। और वैसे ये वाली जो जगह है ना, ये भी अच्छी है घर बनाने के लिए, लेकिन ना यहाँ पर कोई हाई एल्टीट्यूड नहीं है, तो अभी हमें ना एक हाई एल्टीट्यूड पे अपना घर बनाना, चलकर देखते हैं वहाँ पर जो पहाड़ है ना, वहाँ पर चलकर अपना हम घर बनाएंगे। गाइस इस टाइम सूरज एकदम नीचे जा चुका है और चांद वहाँ से निकलना शुरू हो गया है। अब फटाफट से मेरे को ना आज की रात बिताने के लिए अपना एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा, फिर हम कल एकदम बढ़िया सा घर बनाएंगे। और ये क्या पम्पकिन है क्या, शायद से पम्पकिन है, मुझे कन्फर्म नहीं पता। हाँ ये पम्पकिन ही है लग रहा, मेरे को लग तो रहा है भाई पम्पकिन है, लेकिन यार पम्पकिन क्या ऐसे पहाड़ों में उगती है क्या भाई, पम्पकिन तो मेरे हिसाब से कोई उसका एक फ्लावर होता है, उसमें से निकलते शायद। और भाई ज़ोंबी वगैरह आना शुरू भी हो गए, ओ भाई भागो भागो, मैं सोच रहा हूँ ना आज की रात जो है किसी गुफा में ही निकाल लेते हैं, कल देखेंगे भाई बाहर निकलने का। जल्दी 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 भाई गुफा में चलो जल्दी। ओ मेरे लगी, कोई तो मार रहा है मेरे को भाई, वो सामने से मेरे भाई साहब धनुष मार रहा है वो सामने से मेरे को भाई, गलत सीन। और यहाँ पर ये जगह बहुत प्यारी है, तो गाइस आज की रात जो है मैं इस गुफा में ही बिताने वाला हूँ। तो ये एक छोटा सा ना यहाँ पर रूम टाइप बना हुआ है, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी मतलब जो भी भूत वगैरह वो आ ना पाए। तो चलो गाइस अभी फटाफट से तो मैंने यहाँ पर सारा का सारा सेटअप कर दिया, एक छोटी सी खिड़की छोड़ दिया ताकि यहाँ से मैं देखते रहूँ कि कब दिन होगा कब रात होगी। तो मेरे को ना टॉर्च बनानी, और टॉर्च बनाने का शायद से स्टिक चाहिए होती है, तो ओके यहाँ पर ओके गाइस। तो एक चार टॉर्च बन गई भाई, बहुत है, चार टॉर्च मैंने यहाँ पर बना दी है। तो अभी फटाफट से अपने कमरे के अंदर लाइट लगाते हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी हो। ओके गाइस इसी के साथ यहाँ पर अपने हमने कमरे में लाइट कर दी, और एक सामने भी लगा देते हैं ताकि लगना चाहिए ना, हाँ भाई कोई ढंग का बंदा यहाँ पर रहने आ गया है। और जितने भी ज़ोंबी वोंबी है ना, कहीं मेरे से किलस के अंदर ही ना आ जाए मुझे मारने। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना ये जो है इसे भी ब्लॉक कर दूँ, बाकी तो हमें बस आज की रात यहाँ पर बितानी है, कल यहाँ से बाहर निकलेंगे। काफ़ी छोटा घर है हमारा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे हम भी एक बड़ा घर बनाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, फटाफट से थोड़ी बहुत ना माइनिंग ही कर लेता हूँ, नीचे चलते हैं भाई खोदते खोदते, देखते हैं भाई हम कितना नीचे यहाँ पर जा सकते हैं। ओ भाई साहब मतलब कि ना अपने पास काफ़ी सारा स्टोन इकट्ठा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा ना कि कल जब हम घर बनाने निकलेंगे तो हमें माइनिंग करनी नहीं पड़ेगी, सीधा बाहर निकलना है सुबह के टाइम पे और अपना घर बनाना शुरू कर देना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारा खोदा खुदाई यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से काफ़ी सारा स्टोन है भाई यहाँ पर, तो सारा इकट्ठा कर लेंगे। और मुझे ना इस टाइप से बनाना है ताकि मुझे ऊपर आने में भी दिक्कत ना हो। ओके तो इसको भी तोड़ते हो भाई, बहुत ज्यादा ही अंडरग्राउंड जाने वाला है। तो भाई इस गेम में हम काफी नीचे तक माइनिंग कर सकते हैं, तब तक हम इसके अंदर माइनिंग कर सकते हैं जब तक नीचे लावा ना आ जाए। मतलब लावा के बाद क्या सीन हो जाता है ना कि भाई लावा तो हमको जला देगा, इसलिए हम उससे नीचे नहीं जा सकते। और यहाँ पर भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा भी तो मैं नीचे जाने लग रहा हूँ, मतलब कि स्टोन की कमी नहीं है भाई, बहुत सारे स्टोन अपने पास हो जाएगा, बहुत ही तगड़ा एकदम आलीशान घर बनाऊंगा भाई, सारे बंदे देखते रह जाओगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि भाई मैं माइनिंग करते करते कितना नीचे आ गया अंडरग्राउंड में, और मेरे पास ना यार काफ़ी सारा स्टोन इकट्ठा हो चुका है।
तो वैसे दिन भी होने वाला होगा, लेकिन माइनिंग करने से जाने से पहले ना मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फटाफट से ना इन स्टिक्स का यूज करता हूँ जो मैंने अभी बनाई है, और यहाँ पर ना मैं सारा का सारा जितनी भी चीजें मैंने वुड की बनाई थी उन्हें स्टोन का भी बना लेता हूँ भाई, मतलब स्टोन तो यार बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे को और यूज करनी है इन स्टिक्स को, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ ना स्टोन की पिकेक्स भी बना लेते हैं, पत्थर जल्दी जल्दी टूटेंगे भाई सारे के सारे, और एक स्टोन की स्वॉर्ड भी बना लूंगा। तो चलो गाइज, यहाँ पर एक स्टोन की मैंने पिकेक्स भी बना लिया और यहाँ पर एक स्टोन की स्वॉर्ड भी बनाएंगे भाई, मतलब गलत सीन हो जाएगा, लेकिन स्टोन की स्वॉर्ड यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने स्टोन की स्वॉर्ड भी बना लिया, तीनों चीजें मेरे पास वुड की भी और स्टोन। ओ भाई भाई, इससे तो बहुत तेज तेज टूट जा रही है सारी चीजें। अब फटाफट जितनी भी टॉर्चेस मैंने लगाई थी उन्हें तोड़ते हैं और यहाँ पर सारी कलेक्ट करके यहाँ से निकलता हूँ, और एक टॉर्च मेरी नीचे चली गई, शिट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी फटाफट यार यहाँ से निकलते हैं। और मेरे हिसाब से दिन, हाँ भाई दिन हो गया, जल्दी से चलते हैं माइनिंग करने, और अब मैं अपना बहुत तगड़ा घर बनाने वाला हूँ, मतलब कि एकदम आलीशान घर बनेगा। तो गाइस अभी मेरे को सामने की तरफ में एक जगह तो दिख रही है जहां पर मुझे अपना घर बना लेना चाहिए, मतलब कि काफी बढ़िया सी जगह तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा ना हाई एल्टीट्यूड पे है, तो अपना अगर हम यहाँ पर घर बनाएंगे तो ज़ॉम्बीज वगैरह से हमें कम खतरा रहेगा, और यहाँ पर ना कोल भी काफी सही मेरे को नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत है तो अंदर चल के और ज्यादा हमें मिलने वाला। तो फटाफट से पहले मैं थोड़ा बहुत कोल इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को ना अभी बहुत सारी टॉर्चेस बनाने, क्योंकि अपने घर में हम बहुत ज्यादा टॉर्च लगाने वाले हैं, तो अगर मैं इधर से बनाऊंगा ना तो बहुत सही लगेगा, उधर से उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इधर से बहुत सही लगेगा। तो इधर से करते हैं, इधर से काटना शुरू करते हैं इन पत्थरों को, और यहां पर पूरी सीढ़ियां बनाऊंगा मैं ऊपर जाती हुई। तो पहले मैं सारा सीढ़ी का काम फिनिश कर दूं, फिर आपको मैं दिखाता हूं कि जो हमारे घर की सीढ़ियां वो कैसे लग रही है, और आज रात होने से पहले पहले हमें ये जो शेल्टर है बना देना है। वैसे थोड़ा बहुत तो बन जाएगा, इतना तो बन ही जाएगा कि हाँ भाई रात में हम यहां पर बस सकते हैं, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे बनाने में। ओके, तो ये भी हमें तोड़ना पड़ेगा। चलो भाई, ये तो हो गया अपने टॉप फ्लोर की जितनी भी सीढ़ियां आनी थी वो हो गई है, और यहां पर अभी ना थोड़ी बहुत मैं डेकोरेशन भी करूंगा। ओके, तो सीढ़ियां भी फिलहाल थोड़ी सी अजीब लग रही है, आपको समझ नहीं आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, पत्थर लगाता हूँ, अभी कुछ थोड़ा सा समझ आया होगा। चलो, तो गाइस अगली रात भी होने वाली है और यहाँ पर आप मेरा घर देख पा रहे हो, फिलहाल मैंने अपना घर जो है ना कंप्लीट कर लिया है, अब बस इसके अंदर ना डोर लगाने हैं, बेड लगाना है, सब छोटा मोटा काम बचा रहा है, और यहाँ पर मैं शिप को मार दूँ क्योंकि अगर मेरे को भूख लगी ना तो खाना खाने को भी कुछ ना कुछ चाहिए, और यहाँ पर मेरे को लग रहा है अगली रात हो चुकी है और ज़ॉम्बीज भी आने वाले हैं। तो ये है सबसे पहले हमारे घर की एंट्री, तो यहाँ पर मैंने कुछ काम जो है थोड़ा बहुत डर्ट से करा था, और फटाफट आप सीढ़ी देखो भाई साहब, मतलब इतनी लंबी सीढ़ी बनाई जैसे महलों में होती है ना थोड़ी सी उस टाइप की, तो हमें घोड़ों की तरह ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि इस तरीके से हमें ऊपर ना आना पड़े। और यहां पर भी मैंने अंदर एक इस टाइप का एक रूम बनाया जिसे अभी मेरे को ऊपर से कवर भी करना है, तो भी घर जो है ना पूरा कंप्लीट तो नहीं है लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो मैंने बनाई दिया अपनी तरफ से। और यहां पर ये एरिया मैंने इसलिए बनाया था कि मैं सब पे नजर रख सकूं यहां से, लेकिन अभी मेरे को लग रहा था ना कि मैं काफी ऊंची जगह पर घर बना रहा हूं, लेकिन यार इससे भी ऊंची ऊंची जगह यहां पर अभी बनी हुई है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करता हूं रुको, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक और बनाता हूं, एक्सटेंड करते हैं इसको ताकि ऊपर से भी कवर हो जाए और यहां से मैं इस साइड का भी देख सकूं। तो अभी मेरे को ना और भी स्टोन चाहिए होगी, मतलब यार स्टोन की भी थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है, थोड़े से और तोड़ने पड़ेंगे भाई। चलो आगे, वैसे स्टोन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे पड़े हैं। अब यहाँ पर ना रात में मतलब जो भूत और ज़ॉम्बी होते हैं ना वो मेरे घरों में ना आए, तो मेरे को फटाफट से ना ऊपर से बंद करना पड़ेगा, तो जल्दी से जितने स्टोन हो सकते हैं सबको तोड़ता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने एक ये बनाया था ताकि मैं ढंग से क्राफ्टिंग कर सकूँ ऊपर चढ़ के, तो इस तरीके से अभी मैं बनाने वाला हूँ, कुछ इस टाइप का मैं घर बना रहा हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से अब ऊपर से नहीं आ पाएंगे, ऊपर से मैंने थोड़ा खुला छोड़ दिया क्योंकि अभी मैंने लाइट का कोई जुगाड़ नहीं करा है, वैसे बस कोल पड़ा है तो मैं टॉर्चेस बनाकर लगा सकता हूं। वो भाई सब खत्म भी हो गए। तो चलो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर ना बारिश भी होने लगी है, और भाई सच्ची बता रहा हूँ मेरे को अभी जल्दी से जाना है उस वाले विलेज में, और वहाँ पर उनके पास जितने भी बेड है, और ये देखो भाई अपने घर से सीढ़ियाँ उतरने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, मतलब बहुत ही सही घर बन गया ये तो। ओके, तो आप ऊपर से देख पा रहे हो, अभी ना मेरे को ऊपर से पूरी ऐसे किला वाली फिनिश देनी है, बाकी तो मैंने काफ़ी कुछ काम कर दिया है, और जो जितना भी डर्ट का काम है ना इसे मेरे को हटाना है, मतलब जो भी मैंने मिट्टी से बनाना है वो हटाना है। और यहाँ पर ना मेरे को हेल्थ नहीं बढ़ानी आती यार इस गेम, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपनी हेल्थ कैसे बढ़ाऊंगा, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर मेरे को इससे थोड़ा बहुत मीट मिल गया जिससे मैं खाकर अपनी हेल्थ कम से कम मेंटेन रख रहा हूँ, कम नहीं हो रही, काफ़ी कम हो गई थी रात में ना, मतलब क्या सीन हुआ था कि मेरे पे एचपी तो थी लेकिन यार मतलब एचपी जाने लग गई थी, कुछ खाने वाने को था नहीं, तो भाई कच्चा खाना खाने से ना मतलब डायरेक्ट बंदे को मारा और सीधा खा लिया, तो ज़्यादा हेल्थ नहीं बढ़ती, अगर वहीं पर मैं उसे फनास में पका के खाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बढ़ती है। और यहाँ पर ये वही गाँव है जिसमें से मैं आज चोरी करने आया हूँ, तो बस ऐसा ना हो कि यहाँ पर मुझे कुछ मिले ना, वो भाई अभी तो मैं नीचे गिर जाता, और अगर मैं हल्का सा भी गिरा ना तो मेरी एचपी बहुत ज़्यादा जाएगी। और मैंने सुना है कि उई कि एक सेकंड मेरे को कहीं से ज़ॉम्बी का साउंड आया, ओए नहीं 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 यहाँ पर शीप घूम रही है यानी कि ज़ॉम्बी आसपास नहीं होंगे, और ओ भाई मेरे को ज़ॉम्बी का साउंड आ रहा है भाई, एक सेकंड ये गेट खोलते हैं। ओके, तो गेट मैंने खोल दिया, बेड का जुगाड़ हो गया, यहाँ पर एक चेस्ट पड़ी है, चेस्ट के अंदर भाई साहब काफ़ी कुछ खाने का सामान है, भाई साहब बहुत सारे पोटैटो रखे हुए हैं, सारे के सारे पोटैटो उठा लूँगा, ब्रेड है भाई, मस्त एकदम अपने को मजे आ गए। और ये ज़ॉम्बी कहीं से आ रहा है, ये ज़ॉम्बी है मेरे आसपास कहीं,
एक सेकंड रुक जाओ भाई, ज़ोंबी का साउंड मेरे को आ रहा है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं, तो भैया डरा मत यार, आना है तो भिड़ ले डायरेक्ट। ओके तो यहाँ पर अभी सबसे पहले जितने पोटैटो मैंने उठा के रखता हूँ, और सारे के सारे ना अभी अभी लगे यहाँ खा लूँगा भाई, सब तो उठा यार, लेकिन एक चीज़ उठाना भूल गया, जो ज़मीन पे मैं मैट बिछाना है ना वो उठाना भूल गया, वो शायद से ना मेरे हिसाब से उनके घर में था ही नहीं, और अभी मैं अपने घर पर वापस आ चुका हूँ, और यार मैं सोच रहा था कि ना बहुत अच्छा बना है, लेकिन यार उतना अच्छा लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि जो साइड साइड की लुक है ना, ये जितना भी एरिया सारे हमारे घर की लुक खराब कर रहा है, तो मेरे को इस साइड का जितना भी पहाड़ है ना सारा हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और यहाँ पर जो हमारा लेकिन घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब चढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है, और यहाँ पर जो मैं डोर लेकर आया था ना, उस डोर को अपने घर में सबसे पहले लगाते हैं, तो डोर कहाँ पर है, ये रहा डोर, तो ये वो डोर है, इसको मैं लगाने वाला हूँ आज, यहाँ पे लगाते हैं हम अपने डोर को इस तरीके से, और एक ही डोर लाया था मैं, तो दो डोर लाया था, एक मिनट रुको, तो यार वहाँ पर से ना मैंने दो डोर तोड़े थे, लेकिन मैं लेकर एक ही आया हूँ, तो मैंने अभी एक डोर लगा दिया, तो एक काम करते हैं ना, जब तक के लिए कल ले आएंगे दूसरा डोर, क्योंकि अभी रात होने वाली, रात में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ, अभी हम एक ही डोर का यूज़ करेंगे, बाद में यूज़ कर लेंगे दो डोर का, तो चलो भाई अभी एक डोर का अपना सेटअप हो चुका, बाद में लगा लेंगे दूसरा डोर, तो भी चलो यार आज की इस वीडियो में नहीं, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जगह लाइक कर देना, नेक्स्ट वाले एपिसोड में हो सकता है आपको इससे भी तगड़ा घर मैं बनाकर दिखाऊं, फिलहाल इसी वाले घर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा दी, और यहाँ पर अभी बेड वेड लगाना बाकी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, बट यार ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं माइनक्राफ्ट को खेल रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले खेली थी, लेकिन उस टाइम को समझ नहीं आया था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जगह लाइक करना, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ यार मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या मुझे माइनक्राफ्ट सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।